इसके हम पीवीएस से क्वेश्चन पे सॉल्व करें, और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2016 स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सेट ए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स 1 बाय बीटा पी क्यू, एक्स पावर में पी माइनस 1 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज पी प्लस क्यू, और यहाँ पे x और y का जो है लिमिट के बाद बताया गया है। हमें यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द हार्मोनिक मीन, हमें यहाँ पे हार्मोनिक मीन जो है वो निकालना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पे है। अगर आपको क्वेश्चन मतलब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रिक है जो हम आपको बता देंगे कि जिससे आप एग्जाम में बिना सॉल्व किए इसको कर पाएंगे, ठीक है। पहले हम जैसे सॉल्व करते वैसे करेंगे। देखिए हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे जो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है वो लिख दिया है। देखिए यहाँ पे 1 बाई एक्स का वैल्यू निकलेगा, इसको आप बाद में रिवर्स कर देंगे तो एक जो ऊपर आ जाएगा, तो हमें जो जो हार्मोनिक मीन है वो मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो एफ एक्स का वैल्यू है, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है 1 बाई बीटा पी क्यू, ठीक है, एक्स पावर में पी माइनस 1 1 प्लस एक्स पी प्लस क्यू, और यहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, और p ग्रेटर देन 0 q ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये जो है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अभी 1 बाई एच जो है वो निकालना है 1 बाई h। तो यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो देखिए x का वैल्यू जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। अभी देखिए यहाँ पे जो 1 बाई एक्स यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बाई बीटा पी क्यू एक्स पी माइनस 1 1 प्लस एक्स पी प्लस क्यू, ठीक है, डी एक्स। अभी देखिए यहाँ पे देखिए बीटा का जो टर्म है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 1 बाई बीटा पी क्यू, ठीक है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अभी यहाँ पे देखिए 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पे हो जाएगा एक्स पी माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, हम ऐसा क्यू लिख रहे हैं आपको नेक्स्ट लाइन में समझ में आ जाएगा। और हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, ठीक है, पी माइनस 1 प्लस क्यू प्लस 1 डी एक्स। आप यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि पी माइनस 1 क्यों लिए हम और क्यू प्लस 1 क्यों लिए। देखिए यहाँ पे हम पी माइनस 1 को हम इसीलिए लिए, आपको समझ में आएगा अभी। देखिए ये जो है वो बीटा सेकेंड काइंड आ गया, ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई बीटा पी क्यू, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा बीटा पी माइनस 1 क्यू प्लस 1, ये जो है वो बीटा सेकेंड काइंड है। अभी देखिए यहां से बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई पी क्यू है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी गामा क्यू और गामा पी प्लस क्यू, ठीक है। अभी और इस यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए इसको क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनटू करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा गामा पी माइनस 1 और यहाँ पे क्यू प्लस 1, और नीचे क्या होगा, नीचे तो पी क्यू होगा या पी प्लस क्यू होगा, क्योंकि जो अगर सम करे तो दोनों सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप समझ जाएगा कि जो ये लाइन है वो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, तो ये जो है वो कट गया। अभी यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा गामा पी माइनस 1 गामा क्यू प्लस 1 बाय गामा पी गामा क्यू, ये है। अभी यहाँ पे देखिए इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो पी माइनस 1 इंटू गामा पी माइनस 1, ठीक है, तो इंटू और यहाँ पे गामा क्यू और यहाँ पे ऊपर में होगा गामा पी माइनस 1 और यहाँ पे है क्यू गामा क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कटेगा, देखिए यहाँ पे जो है वो ये जो पार्ट है ये कट गया और ये पार्ट जो है वो कट गया, तो हमें क्या मिल गया क्यू पी माइनस 1 क्यू पी माइनस 1, ये किसका वैल्यू है, ये 1 बाई एच का वैल्यू है। सो द हार्मोनिक मीन एच इक्वल टू पी माइनस 1 बाई क्यू। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या आया, आंसर हमारा आया सी, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। एक क्वेश्चन अगर आप जैसे मैं बता रहा था कि ये क्वेश्चन देख के बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, जैसे ये जो है ये एफ एक्स जो है वो बीटा सेकेंड ऑर्डर का है।
अगर मान लीजिए आपको बहुत अच्छे प्रिपरेशन है, आप इसको देख के बता सकते हैं कि बीटा सेकंड ऑर्डर क्या है, उसका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, आपको पहले से पता होगा, आप वैल्यू बैठा देंगे, ठीक है। अगर इन केस आपको नहीं हुआ तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपके लिए जो बीटा फर्स्ट काइंड है उसका पीडीएफ, उसका मीन वेरियंस और हार्मोनिक मीन लिख देंगे, और जो बीटा सेकेंड ऑर्डर सेकेंड काइंड है उसका भी हम पीडीएफ मीन वेरियंस और हार्मोनिक मीन आपके लिए लिख देंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगा और कोई भी और क्वेश्चन है आप उसमें आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो देखिए हमने जैसे कहा था वैसे हमने आपके लिए बीटा फर्स्ट काइंड और बीटा सेकेंड काइंड दोनों का पीडीएफ मीन वेरियंस और हार्मोनिक मीन जो है लिख दिया। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एकदम डीटो बीटा सेकेंड काइंड का पीडीएफ दिया हुआ है। अगर आपको पहले से बीटा सेकेंड काइंड का हार्मोनिक मीन पता है तो आप बस आंसर बैठा दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ, वीडियो में कंफ्यूजन नहीं है। अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप कम से कम पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी लगेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फिर उधर पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।